साल 2018 टीवी इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो ये साल काफी अच्छा रहा। इस साल जहां कई नए चेहरे टीवी पर नजर आए तो वहीं एक हीरोइन ऐसी भी रही जिसने सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन, ये हीरोइन हमेशा सुर्खियों में रही। तो चलिए, कौन है वो हसीना जिसका जिक्र 2018 की शुरुआत से लेकर अंत तक छाया रहा, ये हम आपको बताते हैं। मगर उससे पहले देखिए कि आखिर दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी हीरोइन रही। नंबर 3, एरिका फर्नांडिस। नंबर 3 की पोजीशन पर रही एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस, जिन्हें ऑडियंस ने काफी पसंद किया। आपको बता दें कि साल 2018 के शुरू होते ही एरिका की प्रेरणा बनने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और फाइनली प्रेरणा बनकर एरिका सबका दिल भी जीत रही हैं। डॉक्टर सोनाक्षी बनकर तो एरिका ने पिछले साल सबका दिल जीता ही था, मगर साल 2017 में डॉक्टर सोनाक्षी बनकर एरिका ने जहां सबका दिल जीता और अब साल 2018 से एरिका को प्रेरणा के किरदार में लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। नंबर 2, दिव्यांका त्रिपाठी। इस साल जिस हीरोइन ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी वो रही दिव्यांका त्रिपाठी। वही पहले तो ये है मोहब्बती में आए अजीबोगरीब ट्रैक को लेकर दिव्यांका ने खूब सुर्खियां बटोरी, मगर फिर उनके शो के ऑफेयर होने की खबरें भी खूब उड़ने लगी। इस दौरान भी दिव्यांका खूब चर्चा में आई। हालांकि कुछ महीने पहले ही दिव्यांका ने अपनी पहली वेब सीरीज की अनाउंसमेंट कर ऑडियंस को और ज्यादा एक्साइट कर दिया है। आपको बता दें कि यह मोहब्बते की खबर है कि वो साल 2019 के जनवरी में ही बंद हो जाएगा और फिर इस शो के बाद दिव्यांका अपनी इस नई वेब सीरीज से फैंस का दिल जीतेंगी। नंबर 1, हिना खान। तो अब बात करते हैं टीवी की नंबर 1 स्टार हिना खान की। जी हाँ, हिना खान साल 2018 की टीवी की नंबर 1 स्टार बनी है। दरअसल इस बात की कई वजह हैं। पहले तो हिना ने बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अपने म्यूजिक वीडियो से लोगों का दिल जीता। फिर उनके कसौटी में कोमोलिका बनने की चर्चाएं आम हुई और अब कोमोलिका बनकर फाइनली हिना खान सबको एंटरटेन भी कर रही हैं। एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो हिना का ग्राफ एरिका और दिव्यांका से साल 2018 में काफी ऊपर रहा और इस लिहाज से वो टीवी की नंबर 1 स्टार बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बात से आप भी इत्तेफाक जरूर रखते होंगे।